नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया मुकाबला उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट करने से मना कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट करने के लिए खिलाड़ी मैच के शुरू होने से पहले अपने घुटनों पर बैठे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के इस खिलाड़ी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद उनको मैच से ही हटा दिया गया था और वेस्टइंडीज के खिलाफ मैदान पर वो नहीं उतर पाए। वहीं अब क्विंटन डिकॉक ने माफी मांग ली है और ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट करने के लिए वो अपने घुटनों पर बैठने के लिए तैयार हो गए हैं। डिकॉक ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा, मैं अपने साथी खिलाड़ियों और फैंस को सबसे पहले सॉरी कहते हुए शुरुआत करना चाहता हूं। मैं इसको कभी भी क्विंटन इशू नहीं बनाना चाहता था। मैं नस्लवाद के खिलाफ खड़े होने की अहमियत जानता हूं और ये भी समझता हूं कि एक खिलाड़ी होने के नाते उदाहरण सेट करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर मेरे घुटने पर बैठने से लोग जागरूक होते हैं और उनकी जिंदगी बेहतर होती है तो मैं इसको खुशी खुशी करने के लिए तैयार हूँ। बता दें, वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से एक दिन पहले क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने एक बयान जारी करते हुए कहा था, हम सर्वसम्मति से एक निर्देश जारी करने पर सहमत हुए हैं जो मैच शुरू होने से पहले मैदान पर रंग भेद के खिलाफ सभी खिलाड़ियों के घुटने टेकने से संबंधित है। इससे पहले कहा गया था कि डिकॉक ने निजी कारणों के चलते मैच से अपना नाम वापस लिया है, लेकिन बाद में CSA ने बयान जारी करते हुए डिकॉक के फैसले के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान टेबा बावुमा ने डिकॉक के फैसले का सम्मान करने की अपील की थी और कहा था, एक टीम के रूप में हम इस खबर से हैरान और स्तब्ध हैं। क्विंटन टीम के लिए एक बड़ा खिलाड़ी है, न केवल बल्ले से बल्कि एक वरिष्ठ खिलाड़ी होने के दृष्टिकोण से भी वो टीम के लिए अहम है। ये जाहिर तौर पर कुछ ऐसा है जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, डिकॉक ने कहा। मैं इस घटनाक्रम के दौरान अपने साथियों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, खासकर मेरे कप्तान टेम्बा बावुमा को। वो एक अद्भुत कप्तान है। अगर वो पूरी टीम और साउथ अफ्रीका की मंजूरी होगी तो मैं फिर से अपने देश के लिए क्रिकेट खेलना चाहूंगा। डिकॉक ने आगे कहा, मैं अब तक इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप था, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे समझाना होगा। मैं मिश्रित जाति के परिवार से आता हूँ। मेरी सौतेली बहनें और मेरी सौतेली माँ अश्वेत हैं। मेरे लिए बचपन से ही समानता का मुद्दा मायने रखता है। ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, बल्कि सभी लोगों का अधिकार और उनके बीच समानता किसी भी व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे हमेशा से यही समझाया गया कि हम सभी के कुछ अधिकार हैं जो महत्वपूर्ण हैं। आपको बता दें, साउथ अफ्रीकी टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से 5 घंटे पहले बोर्ड के ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट करने के फैसले के बारे में बताया गया था, जिसके बाद डिकॉक ने फैसला किया कि वो ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट करने के लिए अपने घुटने नहीं टेकेंगे। हालांकि डिकॉक ने अब माफी मांग ली है और अब उन्हें अगले मैच में खेलते हुए देखा जा सकता है।